फर्स्ट टाइम मुंबई में शादी में हम शामिल हो रखे हैं। हम अरसे खा रहे हैं और ये कोटद्वार से आए हैं और ये अरसे बनाने का तरीका ही कुछ अलग है। अगले साल ही ठंड मिलेगी। अच्छा, अब ठंडा नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का मुंबई शहर से। बाकी मेरा बेड ये यहाँ पे था, यहाँ पे अपनी एडिटिंग टेबल है, मस्त में से एडिटिंग कर रहा हूँ और यहाँ से बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। तो शहर में आके तो बस यही सारी चीजें दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, चौड़ी चौड़ी सड़कें और अभी यहाँ पे ना जिम का पूरा सामान देख के बोला मैं जिम करता हूँ। पहले हाइट तो बढ़ा ले, शरीर तो बढ़ा ले। आगे कहाँ है, सीधे कहाँ जा रहा है? देखिए जी, हम तो पहाड़ वाले हैं, वहाँ तो बहुत ठंडा होता है, यहाँ आके बिल्कुल धूप अपना असर दिखाने लगी है। बाकी हमारे साथ हमारे मौसा जी भी हैं जो अभी अभी पहुँचे हैं ट्रेन से। देखिए जी, यहाँ तो अभी मैं वीडियो ज्यादा बना नहीं पाऊंगा, बस अब रूम पे चलते हैं, नाश्ता तो कर लिया है, वीडियो अपलोड पे लगाते हैं। मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ ना अभी जैसे ट्रैफिक बहुत कम है, रात होते ही ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाता है। अब होटल रूम पे पहुंचने के बाद स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है यहाँ के वाईफाई पे। तो डाउनलोडिंग है करीब 50 Mbps के आसपास और अपलोडिंग है 80-90 Mbps, मतलब कि यहाँ पे काम हो जाएगा। देखिए जी, अब यहाँ गर्म इलाका है, पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इंटरकॉम लगा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि भाई रिसेप्शन पे कॉल कैसे करनी है, तो नेट पे सर्च किया, 9 नंबर दबा के कॉल कर दिया, पानी आने ही वाला होगा। बहुत सारी चीजें मैं नहीं जान रहा हूँ शहर में आके, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली हमारे पहाड़ों में तो होती है नहीं, इतने बड़े बड़े होटल तो बहुत कम हैं। बाकी ऐसे करके आदमी सीखता है और ये चीजें मैं रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिनको ये सब चीजें मालूम नहीं होंगी। मैं भी सीखता हूँ और अपने एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाता हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं और हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आज के फंक्शन के लिए। आज है मेहंदी और कॉकटेल पार्टी, तो ऐसा वाला आउटफिट शायद आज तक मैंने कभी पहना है। और कुर्ता पैजामा ना हम पहले स्कूल टाइम में पहनते थे, व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा रहता था, तो तब से अभी पहना है। मामा जी भी बिल्कुल रेडी हैं। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहना। पहाड़ों में तो बहुत कम पहनते हैं, मतलब पहाड़ों में जिसके यहाँ शादी होती है ना वो बेचारा बिजी रहता है मेहमानों को खाना खिलाने पे, काम करने पे। और जो हमारे मौसा जी हैं वो हैं रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे। अब जैसे ही होटल से बाहर निकले तो बाहर की दुनिया कुछ अलग ही है मुंबई में, मतलब बिल्कुल लाइट की चकाचौंध चारों ओर दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे अंकल जी मिले, मतलब इन्होंने अचानक से पहचान लिया, डेली वीडियोस देखते हैं। डेली देखता हूँ, डेली देखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली देखती है, कुल पहाड़ी को भी जानते हैं, मेरे दोस्त को भी जानते हैं। मैं सब एवरी चैनल में देखता हूँ। अच्छा। कोई भी चैनल है जो हम छोटा, लेकिन आपका तो डेली कह रहा हूँ। थैंक यू। तो यहाँ शादी में हमको मिली है उत्तराखंड की फेमस बॉक्सर मोहिनी राणा। तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। हमारी मौसी जी हैं, बड़ी मौसी, छोटी मौसी और ये बॉक्सर मोनी। आज के कार्यक्रम का समापन भी हो चुका है, मौसी जी जा रही हैं अपने होटल पे, सभी लोग बाहर होटल में हैं अलग अलग कमरों में। बाकी मौसी की शक्ल माँ से मिलती है, माँ की बड़ी मौसी से, छोटी मौसी, सबकी शक्ल मैच करती है। ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मस्त मजे से। रात के 1 बज चुके हैं और सारा जो फंक्शन था शादी का आज का वो पूरा हो चुका है। बाकी अब जाके हम रूम पे आ रहे हैं, होटल में आ रहे हैं। यहाँ पे आए हुए आज मुझे दूसरा दिन है और आज है हल्दी हाथ और शादी का फंक्शन। हम हल्दी हाथ के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आज का मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, कोल्हापुरी चप्पल पहने हैं, व्हाइट पजामा और ऊपर से पीला वाला कुर्ता। अब ये सारी चीजें प्रीति की शादी में भी काम आने वाली हैं, तो इसीलिए मैंने इस बार की शॉपिंग थोड़ा सा कुछ सोच समझ के करी थी जो कि लॉन्ग टर्म में मेरे काम आए। और यहाँ होटल की बालकनी से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, खूबसूरत से दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। हमने आज भी सोचा था कि जिम करेंगे लेकिन आज भी उठ नहीं पाए टाइम से, क्योंकि कल तो बहुत लेट सोए ना। देखिए जी, जहां हम रुके हुए हैं यहां आसपास हर स्टेट के एक एक भवन हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं। और मैं हूं अभी दूल्हे राजा के साथ,
कभी इनसे भी जरूर मिलवाएंगे आपको। देखिए जी अभी थोड़ा सा हमें टाइम मिला है बाहर आने का, थोड़ा सा मार्केट की ओर चलते हैं, कुछ सामान लेना है। हाँ कितने का है? 10 का। सुबह सुबह यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको फूल बेचते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं APMC मार्केट वासी में और यहाँ देखे मैं हैरान हूँ कि 11:30 बज गए अभी तक लोगों ने दुकानें नहीं खोली हैं। देखिए जी अभी का सीन कुछ ऐसा हो गया है कि हम आए थे यहाँ मार्केट में माला ले आने के लिए, बाकी यहाँ तो मार्केट आज खुली नहीं, कुछ आंदोलन है बोला मार्केट बंद ही रहेगी, तो फिर हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं जहाँ वो माला ही मिले। देखते हैं इसी बहाने कुछ न कुछ नया नया देखने को तो मिलेगा ही शहर में। हमें चाहिए पैसों की माला, अब इतने बड़े शहर में कहीं मिल नहीं रही। और शायद दीदी लोग भी इसी दुकान पे आए थे अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, हमने तो ले रखे हैं, बाकी यहाँ पे मौसा जी का कुछ काम था। तो यहाँ मुंबई में जब मैं पहली बार आया था तो इस सामने पे जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना इसके सामने मैंने फोटो खिंचवाई थी। उस टाइम ये सब चीजें मेरे लिए नई नई थी और मैंने ना उस बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचवाई। सोचिए हमारे पहाड़ में इतनी लंबी बिल्डिंग देखने को मिलती है नहीं। तो यहाँ भी हम आए हैं पूजा वाली शॉप पे, लेकिन यहाँ भी जो हमारे काम की चीजें हैं वो नहीं मिल रही है। अब यहाँ रोड क्रॉस करना भी एक बड़ा चैलेंज है, खूब सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद अब मिली हमको मालाएं। हमारे यहाँ इन चीजों को पहनाते हैं तो हमारे यहाँ मिल जाती है, यहाँ थोड़ा मुश्किल से मिली है। तो अंदर पे हल्दी हाथ और पूजा की रस्में चल रही हैं, बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशूट कर लेते हैं मौसी दीदी इन सब लोगों के साथ। जब एक साथ सारे ब्लॉगर मिलते हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनता है। देखिए जी यहाँ शादी में दीदी लोग भी आए थे, ये मेरे से 5 दिन पहले आ गए थे, 25 तारीख को इनकी फ्लाइट थी। बाकी कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ तो पहले भी आए है ना? मैं तो पहले भी आई हूँ। अच्छा, लेकिन इस बार शादी शादी है तो शादी का फंक्शन देखना था कि यहाँ किस तरह का माहौल रहता है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मुंबई में शादी में हम शामिल हो रखे हैं। ये हमारे लिए कुछ नया है, बिल्कुल अलग है। अब तो यहाँ पे मेरी मौसी बोली कि यहाँ पे ये फूल लगे हैं, भाई कैसे हैं? बोले प्लास्टिक के हैं। तो मैं आया था अभी रात के इवेंट के लिए, अपने जो कपड़े हैं वो लेने के लिए, जो कि मैंने दीदी लोगों के पास भिजवाए थे, कोट पैंट है इसमें। बस चलते हैं अब अपने रूम पे, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। मुंबई का असली सीजन गए ना, जो अभी ठंड पड़ी थी थोड़ा 2-4 दिन, वही निकल गए। इसके बाद अभी कभी अगले साल ही ठंड मिलेगी। अच्छा, अब ठंडा नहीं होगा? नहीं। देखिए जी हाँ हमें इतनी गर्मी लग रही है और यहाँ के लोगों के लिए ये टेम्परेचर नॉर्मल है बोला। सारे काम निपटा के रूम पे पहुँच चुके हैं, बाकी अब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम के इवेंट के लिए भी तैयार होना है। तो चलिए जी शाम के इवेंट के लिए हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाकी बाहर सनसेट भी हो चुका है, सूर्य जो है लास्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब निकल पड़ते हैं जहाँ पे इवेंट होना है, ज्यादा सूट तो हो नहीं पा रहा है। बाकी ऐसे वाले कपड़े भी मैं पहली बार पहन रहा हूँ, कोट पैंट जो भी है यही खरीदा था मैंने, और ये मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है कि बहुत सारी शादियां इसी में निपटने वाली हैं। बाकी मामा जी भी तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे चल रही थी कि टाई कैसे पहने, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली तो यूज होती नहीं है, तो टाई लगानी भी नहीं आती। बाकी बाहर आते ही थोड़ा गर्मी गर्मी का एहसास तो होता ही है, यहाँ शाम हो चुकी है जबकि। तो यहाँ पे बैंड वालों की तरफ से भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ये हैं सरस्वती ब्रास बैंड वाले, और ऐसे कुछ रथ यहाँ पे सजाया हुआ है, अभी भी तैयार हो चुका है। दीदी भी बिल्कुल रेडी है और अभी यहाँ पे ऐसे सोफे में बैठा हुआ है, बिल्कुल मस्त मजे वाला है। और यहाँ पे जिया जी भी हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जी पगड़ी पहन के हम कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स मिल चुके हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं। फ्रेंड हमारी दीदी जी जो कि मुंबई में रहती हैं, लेकिन हमेशा वीडियोस देखते हैं, गांव की यादें ताजा हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ने तुरंत से दोस्त बना लिए अपने। रात के 12 बज चुके हैं और सभी लोग खाना खा के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। बाकी इसके बाद शादी की और रस्में होंगी और आज शायद रात भर हमको यहीं रुकना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारी मौसी है ऐसी हंसी निकाल ली है कुछ बातों को बोल के, सब हंस पड़े यहाँ पे। रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ कोटद्वार के अरसे। ये भैया जी कोटद्वार से ले आए हैं और ये अरसे बनाने का तरीका ही कुछ अलग है। हमारे यहाँ गोल गोल बनाते हैं इनको, यहाँ जैसे पूरी के टैसे ना उस तरह से बनाते हैं। ये अरसे हैं, हम अरसे खा रहे हैं और ये पहाड़ों से आए हैं यहाँ ऐसे। कुछ बात बोलो ना अपनी। बोलो फोटो वो आवाज वॉइस ओवर कर देना। हाँ क्या मैं आपकी आवाज कैसे निकालूं फिर? तो हम अरसे खा रहे हैं
और ये कोटद्वार से आए हैं और ये बहुत टेस्टी है। सुबह के 4:30 हो चुके हैं और हमने बडली का जो भी पूरा सामान है वो खा के खाली कर दिया। तो चलिए जी, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, अभी विदाई हो रही है और टाइम हो चुका है सुबह की 5:30। आज पहली बार मैंने रात की शादी अटेंड करी है, वो भी यहाँ मुंबई में। यहाँ मुंबई में शादी हुई पहाड़ों के रीति रिवाजों के हिसाब से। शादी संपन्न हो गई है, जिस शादी के लिए हम बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे और अभी हमारी हालत भी बिल्कुल डाउन हो गई है। अरे ये भी रो रहे थे, दुल्हन की विदाई हो रही थी और हम दूल्हे वाले साइड के थे, हमारे भी आंसू आ रहे थे, मौसी लोग तो पहले से ही रोने लग गए थे। तो अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और फाइनली शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है। आज मैंने पहली बार रात की शादी को अटेंड किया और मुंबई में भी पहली बार शादी को अटेंड किया, तो अच्छा अनुभव रहा। बाकी सूट तो हम ज़्यादा कर नहीं पाए, अब बस आराम करना है क्योंकि रात भर सोए नहीं तो भयंकर वाली नींद आ रही है। तो आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।